लोकसभा चुनाव का रण अब और भी दिलचस्प होता नजर आ रहा है। 25 मई को छठे राउंड में दिल्ली की सातों लोकसभा सीट पर वोटिंग। लेकिन इस बीच अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से कन्हैया कुमार की मुलाकात ने उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट पर सियासी तापमान बढ़ा दिया है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से कांग्रेस के कैंडिडेट कन्हैया कुमार और सुनीता केजरीवाल की मुलाकात की तस्वीरें जैसे ही सामने आईं, अनुमान लगाया जाने लगा कि असल में ये कन्हैया की मनोज तिवारी को पटखनी देने के लिए एक नई स्ट्रैटेजी है। दरअसल मनोज तिवारी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली सीट से बीजेपी के कैंडिडेट हैं, लेकिन इस बार उनके सामने कांग्रेस ने अपने तेज तर्रार युवा नेता कन्हैया कुमार को चुनावी मैदान में उतार कर मुकाबला को रोमांचक बना दिया है। वैसे तो कन्हैया को अपनी उम्मीदवारी की घोषणा के बाद से अपने ही दल में विरोध का सामना करना पड़ रहा है, जिसका ताजा उदाहरण दिल्ली कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली हैं। हाल ही में अरविंदर सिंह लवली ने कन्हैया को बाहरी बताकर उन्हें टिकट देने का विरोध करते हुए अपने पद से रिजाइन कर दिया था। लेकिन अब माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के चुनाव प्रचार की कमान संभाल रही सुनीता केजरीवाल से मिलकर कन्हैया ने न सिर्फ अपने विरोधियों को बल्कि बीजेपी खेमे को भी एक नई चुनौती दे डाली है। असल में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गैर मौजूदगी में उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल आम आदमी पार्टी के चुनाव प्रचार की कमान संभाल रही हैं। वे लगातार आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स के लिए दिल्ली में प्रचार भी कर रही हैं। ऐसे में कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया की उनसे मुलाकात के बाद कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट पर कन्हैया के सपोर्ट में अपनी ताकत झोंक सकती है, और अगर कांग्रेस कैंडिडेट के लिए सुनीता केजरीवाल खुद प्रचार करने मैदान में उतरती हैं, तो इससे सबसे ज्यादा चिंतित बीजेपी नेता मनोज तिवारी होंगे। हालांकि मनोज तिवारी विरोधियों की इन तमाम कोशिशों के बावजूद कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। बीजेपी नेता ने पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट पर नामांकन से पहले एक धुआंधार रोड शो किया। इस दौरान उनके साथ खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। खड़गी जी शिवजी को जानते नहीं और वो ये लोग सनातन विरोधी लोग हैं। खड़गे जी के भी लड़के खड़े होते हैं तो कह देते हैं कि हमें सनातन को नष्ट करना है, तो अगर वो शिव जी को जानेंगे तो शिव जी और राम जी की लड़ाई नहीं होगी। अब इस देश में शिव जी और राम जी लड़ने वाले नहीं है। अब शिव जी और राम जी इस देश को दोनों आशीर्वाद से इसको बहुत आगे बढ़ाने वाले हैं विकास। अब एक तरफ जहां मनोज तिवारी ने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली सीट पर रोड शो करके अपना शक्ति प्रदर्शन कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के कन्हैया बीजेपी को टक्कर का मुकाबला देने का दावा कर रहे हैं। देश में जो परिस्थिति है अभी, जिस तरह से तानाशाही चल रही है, किसी को भी पकड़ करके बिला वजह जेल में बंद कर देना, इस तानाशाही के खिलाफ हम लोग पिछले कई सालों से लड़ रहे हैं, और तानाशाही के खिलाफ इस लड़ाई में हम सब एकजुट हैं। तो उनसे हम ये बात कहने के लिए, उनको बताने के लिए कि इस लड़ाई को हम लोग सब मिल करके लड़ेंगे, एकजुट होकर के लड़ेंगे, और देश में संविधान और लोकतंत्र को जिस तरह से समाप्त किया जा रहा है, इसको हम लोग बचाएंगे, संविधान को भी, देश को भी, और इस तानाशाही को। दिल्ली की सभी 7 सीटों पर 25 मई को वोट डाले जाने हैं। बीजेपी यहां सभी 7 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, तो वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलायंस में चुनाव लड़ रही है। इन 7 सीटों में से उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट की लड़ाई सबसे ज्यादा अहम है, क्योंकि यहां पूर्वांचल वोटर्स निर्णायक भूमिका में होते हैं, और इस बार के चुनाव में सियासी टक्कर भी 2 पूर्वांचली उम्मीदवारों के बीच है। बहरहाल इस महामुकाबले का विजेता कौन होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ नेशन।